तुमने कहा कि वीरन में तेरे घर पे रोज आवे, लेकिन आज हमारो बड़ो दिल कर रहो है कि तू हमारे पिता की कचहरी में चले। ध्रुव बोले हाँ चलो, हमें मिलवा तुम्हारे पिता कैसे हैं। तो लेके पहुंचे महाराज, जैसे ध्रुव को 5 साल बाद राजा उत्तानपाद ने देखा, तो जैसे का बाज टूटता है उसी भांति राजा उत्तानपाद टूट पड़े। दुई चार चुम्बन तो चलतमी झड़ दे, महाराज पूरे शरीर को एकदम से चूमने में लगे और टकटकी लगाए कि बेटा को मुंह देख रहे, अरे लाल आज इस पिता की याद कैसे आई। ध्रुव तो स्वयं देख रहे कि इतनो लाड तो हमाऊ कबू का पुरुष ने ना करो, मैया तो रोज लाड करे लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसने इतना प्यार किया हो, ये कौन है, ये तो उत्तम के पिता है, फिर मुझे लाड क्यों कर रहे। उत्तम जमीन पे खड़ा और ध्रुव गद्दी पे बैठा। एक बात याद रखना भगवत प्रेमियों, पहले के जमाने में एक दो चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। पता है वो चुगला सबसे बड़ो काम कब करते हैं? जब काऊ की शादी हुई वे गुआए, तब सबसे पहले जैसे गांव में शादी वाले आए ना लड़का को देख बिक ले, तो चुगला सबसे पहले ही बसरियर निकरिए, तो इनसे ही यही कहा पहुंच गए। अब लड़का देख के लड़की वाले जैसे ही बसरियर पहुंचे, पानी यानी पियो बैठ गई, चुगला बोले भैया राम राम। बोले राम राम भैया, कहाँ से आए हो? बोले फलाने गांव में लड़का देखो, लड़का बहुत अच्छा है, सोच रहे बिटिया कद दे। चुगला ते पूछी तुम आओ का काम है, तुम कैसे बैठे, तुम कहाँ से हो? चुगला बोलो भैया हम कारड़ बस बाई गांव से। अब तुम चाहे कछु समझ ले, हम बाई गांव से। अरे तो फिर तो तुम जान तो ही होगे लड़का कैसो, लड़का को परिवार खानदान कैसो है। चुगला बोलो हाँ भैया हम उन्हें जाने, उनको परिवार जाने, हम सबको जाने। तो बोले फिर बताओ। बोले भैया लड़का एक नंबर, बहुत अच्छो, बहुत बढ़िया। लड़की वाले बोले कोई कमी तो ना? बोले अब भैया अब तुम अपने हो तो बताए दे, हम पैसे तो कोई कमी ना है, लेकिन वो लड़का है ना वो कबू कबू प्याज खाई लेते ले, अब तो कुछ कमी है। अरे लड़की वाले बोले वो तो चलता है, प्याज खाता तो कोई बात नहीं खाने दो। बोले ऐसे नहीं, जब कबू पी लेना तभी वो प्याज खा दो। अच्छा लड़की वाले बोले वो पीता भी है? चुगिला बोलो भैया तुम गलत समझ रहे हो, जब कबू जैसे जुआ हुआ खेल ले तो पी ले तो है, वो जुआ भी खेलता है। चुगिला बोलो भैया तुम गलत समझ रहे हो, जब कबू जैसे डकैती अकैती डाल ले लड़कने की संगत में तो जुआ खेल ले तो है। बोले अरे वो डकैती भी डालता? जवाब दो भैया, अब तुम अपने ही हो तो बताई दे पेट की बात, उनके दादा परदादे तो जमीन तो है ना, तो जुआ और डकैती तो। अब भैया बताओ खेती है ना है, जुआ खेले डकैती डाले शराब पिए ऐसे घर में अपनी बिटिया को करिए। चुगला बोलो भैया राम राम, माओ काम हो फिर कमाऊ याद आए तो याद कर लियो, बोलिए गोविंद भगवान की आदत होती चुगलने की। कऊ चुगला ने जाए कि मैया सुरुच से कही है कि आपका बेटा जमीन पे खड़ा और वो आपकी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची, जवाब दिया ए महाराज क्या कर रहे हो, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है,
अक्कल है कहां तुम्हारी भूप, सिर पर ये गधा चढ़ाया है। अरे बाबरे, तू ऐसे इस राज्य का अधिकारी नहीं होगा। पहले तू यहां से जा, भगवान का भजन कर, शरीर को छोड़ दे, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। वन में जाना पड़ेगा। और बुजुर्गों कहते हैं कि बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। कहा कि यहां से जा। ध्रुव सोच रहे कि जे अब तो धक्का मार रही, और आज से थोड़ी देर पहले इतनो लाड़ कर रहे थे जे पिताजी बैठे, और अब जब ये मार रही है, धक्का लगा रही, तो ये कुछ नहीं कह रहे। ध्रुव पिता के चेहरा को देख रहे, लेकिन राजा उत्तान पादनाए बोले, लिखाए भैया जिस जिसने दो या तीन शादी की उनका परिवार तो विनाश हुआ ही है। लिखाए है अरे मौसी होती बिसकी बेली, और देख लिया घूम जमाने मेरे भैया। जब ध्रुव रोता हुआ मैया सुनीति के पास पहुंचा, आठ भरी पुकार जब मैया ने सुनी, महाराज जने बड़ी मुश्किल से एक बेटा देखो वे,
और उसकी आंखों में आंसू हो तो कौन माँ झेल सकती है। झपट के छाती से लगाई लियो, अरे का बात पूछी, अरे बेटा हमें जब बताए दे तो कौन मारो है। ध्रुव बोले, अरे मैया कछु मत पूछे, आज मौसी ने मारो। ध्रुव बोले, मौसी ने मारा, जवाब दो। सुनीति ने, अरे बाबरे माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी। ओए, अरे मौसी ने मारा तो क्या बिगड़ गया, चुप हो जा। ध्रुव बोले, मैया हम जा से ना रोए रहे कि हमें मौसी ने मारा। फिर मैया हम तो जा से रोए रहे कि मौसी मारती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। मां सुनीति बोली, अरे बावरे वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले, तेरे पिता का नाम है परमात्मा ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो तेरे पिता का भी पिता है। मैया सुनीति बोली, एक बात बता, वहां पे बात का भाई तो धक्का गाय को मारो। बोले, मैया वो तो हम गद्दी पे बैठे पिता के साथ में तो मौसी आई और ढकेल दिया, लेकिन एक बात सुन ले, एक बात हमारे हृदय में बड़ी चुभ है। कौन सी? बबूला ने मोई उठाई गोद बैठा रे, मौसी ने पकड़ी मोई ढकेला मारे, बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे। बोले, जाने दे माँ। ध्रुव बोला, बस माँ रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। मैया सुनीति ध्रुव को मुंह देख रही, लाला अभी तू 5 वर्ष का है, अबे तू भजन कर वो का जाने, अभी तू यही भजन कर, जब बड़ा हो जाना तब चला जाना। जवाब दियो माँ, अगर तू मुझे नहीं जाने देगी तो निश्चित है कि मैं मर जाऊंगा,
मैया बोली, अरे बाबरे अगर तू यहाँ से चलो गयो ना तो बड़ी मुश्किल से पायो है, माँ के महीने में छाती से लगा करके किसे सुलाऊंगी। ध्रुव नाय माने, कहते ना जापे एक बार भगवान के नाम को नशा चढ़ जाए ना फिर वो जीवन पर्यंत तक ना उतरे। और महाराज भगवान के दर्शन की तो छोड़ दे बुजुर्गो, भगवान के दर्शन की तो छोड़ो, भगवान के नाम में वो इतनी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर।